वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, सीआरएससी यूनिवर्सिटी का लर्निंग एंड टीचिंग का कल जो एग्जाम था उसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो हमने पेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए। यहाँ पर ये लर्निंग एंड टीचिंग का स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 6, 7 और ये 8, ओनली 7वां भी शॉर्ट नोट है। 6 क्वेश्चन ही दिए थे आप लोगों को, और कोई ऐसा नहीं है कि भाई जिसमें 2-2 क्वेश्चन हो, 3-3 क्वेश्चन हो, ऐसे कोई वो बात नहीं है। 6 क्वेश्चन और 7वां शॉर्ट नोट दिया था, उसके अलावा मैंने आप लोग कोई भी नहीं दिया था। आप लोग देख सकते हैं नीचे अगला फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू हो जाता पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, तो ये वाला मैंने आप लोगों को दिया था। उसके बाद हम रिव्यू कर लेते हैं कि कितना एग्जाम में आया कितना नहीं आया, वो मैं आप लोगों को रिव्यू करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया था मेरिट ऑफ टीम टीचिंग, उसके बाद शॉर्ट नोट में सेकंड क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन द डिफरेंट फेज ऑफ टीचिंग इन ब्रीफ, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें जिस स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कवर किए थे, ये दोनों कवर हो जाते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी दोनों कवर हो जाते हैं। ठीक है, इस दोनों करने के बाद दूसरा यहाँ पे शॉर्ट नोट 2 हैं, ये कवर नहीं हो पाए आपके। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे परीक्षण के लिए विशेषताएं मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया है। यहाँ पे परीक्षण के बारे में इसमें जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, अगर किसी ने ये को कवर किया होगा तो पूरा हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन आया था वो आया था व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग डिफरेंटली अमंग टीचिंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, सॉरी, उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये है यूनिट फर्स्ट का व्हाट इज टीचिंग डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट एंड पेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, जिसने भी ये क्वेश्चन पूरा कवर किया आपका इस क्वेश्चन में पूरा कवर हो जाता है। दूसरा आप लोगों का जो सेकेंड क्वेश्चन आया था यहाँ पे आया था व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट दिस लेवल। ठीक है, यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में मैंने सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का के लिए बताया था, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों का आया, 2 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, उसके बाद ना भी ये सेकंड यूनिट का कोई भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, जहाँ तक मेरे को लग रहा था कि सेकंड यूनिट में से कवर नहीं हो पाएंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड यूनिट में से मैंने बताया था आप लोगों को, ये वाला आपका क्वेश्चन आया है उसमें थर्ड यूनिट में व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग एक्सप्लेन इन डिटेल द फैक्टर विच अफेक्ट लर्निंग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, 6 क्वेश्चन है, मैंने बताया था ई लर्निंग के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे ई लर्निंग का भी मैंने बताया है और टाइप ऑफ फैक्टर इफेक्ट ऑफ लर्निंग का भी बताया, दोनों क्वेश्चन बताए हैं। जिन्होंने भी ये दोनों कवर किया होगा आपका 16 नंबर का भी कवर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखते रहना कितने मैंने क्वेश्चन आप लोग कवर करवाए, 6 भी आ गया। यहाँ पे आईसीटी का मैंने बताया था, आईसीटी का आपका पूरा कवर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आईसीटी के लिए। उसके बाद डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड आल्सो इट्स एम्स एंड करेक्टरिस्टिक इन डिटेल। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए इवोल्यूशन का जो सेम टू सेम कॉपी क्वेश्चन आया है ये वाला आया है। ठीक है, आप लोगों का ये क्वेश्चन भी कवर हो गया होगा। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन कवर हो गए, डिफाइन द टाइप ऑफ इवोल्यूशन एंड डिस्क्राइब द ग्रेडिंग सिस्टम। टाइप ऑफ इवोल्यूशन एंड ग्रेडिंग सिस्टम मैंने आप लोगों का यहाँ पे बताया था, टाइप ऑफ इवोल्यूशन हो गया, डिफाइन ग्रेडिंग सिस्टम। जो शॉर्ट नोट बताए थे उसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, टीम टीचिंग शिक्षण है ये नहीं आ पाया तो आप कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको मैंने 5 बताए थे, 4 के 4 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपका पेज ऑफ टीचिंग का भी है, ये भी कवर हो गया। उसके बाद आपका ये मैंने आपको बताया था फ्लेंडर और आईसीटी में थोड़ा डाउट था कि भाई फ्लेंडर आएगा आईसीटी आएगा, फिर मैंने दोनों डाल दिए थे क्योंकि आईसीटी आपका कवर हो गया। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी आ गया, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ कवर हो चुके हैं, 1 क्वेश्चन ये कवर हो गया आपका, 9 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ये कवर हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ई लर्निंग का कवर हो गया, 2, तीसरा आपका आईसीटी का कवर हो गया, 3, उसके बाद चौथा आपका एवोल्यूशन का कवर हो गया, 4 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो यहाँ पे लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग है, 5 क्वेश्चन ये वाला कवर हो गया। ठीक है, आपके इतने सारे क्वेश्चन कवर हो गए तो बताओ एग्जाम इन क्वेश्चन से बाहर से आया हो तो बताओ, एक भी क्वेश्चन अगर इनसे बाहर से निकल के आया होगा, 6 के 6 क्वेश्चन बताए थे, 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ रखे आपके एग्जाम में, शॉर्ट नोट जितने बताए थे वो सारे कवर हो रखे हैं। उसके बाद आप लोग भी पास नहीं होंगे तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करूँगा इस वीडियो में आप लोग पूरा अच्छे समझ में आ गया, मैंने कितना आप लोगों को बताया था। आप लोगों के लिए मैं ये नहीं है कि भाई पूरी बुक का प्रिंट करके दे दूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको पूरा जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें लगता है घुमा फिरा के आप लोग क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, वही आपके एग्जाम में भी वही सेम क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, ऐसा कोई ना कहे। बहुत सारे बच्चों के रिव्यू भी अच्छे आए हैं व्हाट्सएप पे कि भाई सर बहुत अच्छा एग्जाम गया। बाकी
जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेड क्वेश्चन चाहिए अभी पर सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, पूरी पीडीएफ का आपको प्राइस नहीं देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जिसको भी चाहिए एग्जाम से एक दिन पहले ले सकता। बाकी मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।